बठिंडा तो श्रोमणी अकाली दल के सबका विधायक सरूप चंद सिंगला ने अपने दफ्तर विखे प्रेस कानफ्रेंस करदियां पत्रकारां नूं जानकारी दित्ती कि जो कल शामी मनप्रीत सिंह बादल दे रिश्तेदार जयजीत सिंह जौहल वल्लों प्रेस कानफ्रेंस करके उन्हां उत्ते लगाए गए दोषां नूं बेबुनियाद दस्सिया। सिंगला ने कहा कि जयजीत सिंह जौहल वल्लों कैसीनो मसाज सेंटर अते जुए दे अड्डे चलाए जा रहे हन। जयजीत जौहल साहब वल्लों कीती गई जिदे ते उन्होंने जो उन्होंने पिछले 15 साल तो इल्जाम लगते आ रहे हैं गुंडागर्दी के, मैं लगता है कि उन्होंने हम पछताछाप करने लई उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिदे च यह कहा कि गुंडा टैक्स लेंदे हुए बंदे फड़े गए बठिंडा च, ते जिहड़े फड़े गए आ उह सरूप सिंगले दे नज़दीकी रहे आ, तां उस संबंध दे विच मैं अज इह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। मैं तां शुरुआत इस तों गल कर रहा वी चोर मचाए शोर, जिन्हां दा धंधा ही रहा है, जिन्हां दी पृष्ठभूमि रही है, जिहड़े कि लोग गिद्दड़वाह नूं अज तक भुले नहीं है, बठिंडे शहर दे विच जो हो रहा है उहदे संबंध दे विच मैं तुहाडे नाल गल करनी चाहुंदा है कि जिहड़े ठेके वास्ते इह गल कर रहे है ते गुंडा टैक्स दी गल कर रहे है, 20 जुलाई 2018 नूं चार दिन मंडी बंद रही सी, उहदा सब तो वड्डा कारण बंद रहण दा उदों ठेका दित्ता गया सीगा जिहड़े ठेके ते अज इह गल कर रहे आ। उस प्रोटेस्ट दे विच मैं शामिल होया सी, आ उस दिन दा तुहाडे अखबार की खबर भी है, फेसबुक की फोटो भी है, वट्सएप की फोटो भी है, ते के ये गरीब लोगों का धक्का है। 2007 दे विच जो साड़ी सरकार होण दे विच आई सी, लोगों के उत्ते लोगों नूं कुटमार रोई हुई सी, ते मैं मौके ते जाके ये गुंडा पर्ची बंद कराई सी और साढ़े 10 साल ये गुंडा पर्ची नहीं लगी सी, ते पिछले 3.5 साल तो ये कांग्रेस दी शह ते MLA साहब की शह ते उन्होंने रिश्तेदार की शह ते यह गुंडा पर्ची की शुरुआत हुई और वो खिलाफ मैं आप तुहाडे सारयां नूं मैं दूंगा भी मैं लड़के आया, मैं उन्होंने साथ दिता जिथे कांग्रेसियों ने झुक के ये ठेके नूं खत्म करदा ऐलान किया, पर शर्म की गल 10 दिनों तो बाद फिर चलाता